इसी तरह दोस्तों आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स अगस्त सेकेंड वीक। मैं आपके सामने जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक के हर मंथ के हर वीक के 25 से 23 क्वेश्चंस, टोटली वन मंथ के 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज PDF के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, सर्च की, उसके बाद जो मिला कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वही आपके सामने रखा है। तो प्लीज़ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक से दो बार पढ़ें और फिर उसके बाद हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कितने ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो हमें याद ना हो सकें। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं कुछ ही क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दोस्तों 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। कैसे मनाई गई आप जोड़ लीजिए, 50 और 20 70 ऐसे हो गए, 1950 से 70 साल तो ऐसे हो गए, और 42 में हुआ था 1942 में, तो 8वें हो गए तो 78 साल हो गए। तो इस पर जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं करने हैं हमको। ICC ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी दी? वो होगा भारत, क्योंकि भारत में कोरोना के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम किए जा रहे हैं, तो भारत को दी, अपना देश है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया? वो हमारा कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा ने लॉन्च किया है। आगे देखिए, हाल ही में किस योजना के तहत RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? उस योजना का नाम क्या है? पायलट। पायलट एरोप्लेन कहीं उड़ा ले जाता है, इसीलिए योजना का नाम रखा गया पायलट, क्योंकि हर समय नेटवर्क नहीं हो पा रहा है। अब गए किसी जगह पे और नेटवर्क नहीं है, तो सब्जी लेनी थी, कुछ करना था, नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बिना नेटवर्क के ही, बिना इंटरनेट के ही आप 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन कर दीजिए, अपना काम चला लो। यार ये ने सुविधा दे दी है, उससे बहुत धन्यवाद RBI का। हाल ही में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप जोशी, बहुत अच्छे आदमी हैं प्रदीप जोशी साहब। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई? किसान रेल देवलाली से दानापुर। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? कैग को बने हैं GC मुर्मू। कैग कौन बने हैं? मुर्मू साहब बने हैं, GC मुर्मू। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं योन मॉर्गन ने, जो इंग्लैंड के हैं। मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ ने किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। तेंदुपत्ता बहुत पाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ था? महाराष्ट्र, नाम से समझ लीजिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व राम प्रधान का निधन हुआ? वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राम प्रधान साहब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? अभी कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं नए उपराज्यपाल, समझ लो भैया, मनोज सिन्हा। हाल ही में किसे HDFC बैंक का अगला CEO नियुक्त किया गया? HDFC बैंक का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक, शशिधरन जगदीशन। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया है मतलब उत्तराखंड में। कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है?
कौन बना है? यूएई अभी बना दी संकली। परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश। हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? वो कौन से खेल से थे? फुटबॉल। कौन व्यक्ति हाल ही में गुआना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? गुआना के अगले राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली। किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ईद रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ईद रक्षाबंधन है आंध्र प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? राजस्थान ने दी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारियों तो संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मार्क्स अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान चालू किया है? एक मार्क्स लगाइए अनेक जिंदगी बचाइए, वो है मध्य प्रदेश सरदार सिंह चौहान की सरकार। किसने हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती भाई साहब ने। प्रति वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं संस्कृत दिवस। प्लीज याद रखिएगा अपने देश की संस्कृति को और अपनी संस्कृत को मात जननी भाषा को सावन महीने की पूर्णिमा के दिन। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे 25 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दुआ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।